चलो अब। ए जल्दी कर, देर हो रही है, इतना टाइम लगाती है। क्या चाहिए? बाइक। 20,000? डैडी। ए जल्दी लाओ, लाओ उसे, जल्दी उसे लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो उसे। बेटी, अरे एक गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, एक गाड़ी रुको, मेरी बेटी, मेरी बेटी, अरे गाड़ी रुको, अरे गाड़ी रुको, मेरी बेटी। एक काम, एक बात बताऊं, कृष्णा सर की आंखों के सामने से उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया। ए कृष्णा। इंस्पेक्टर सर, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया, ये सब क्या चल रहा है? एक घंटे में अगर मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी सर, सारे चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दिया गया है, आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। ए, किससे फोन करवाऊं? होम मिनिस्टर, सीएम से, पीएम से? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। एक घंटे का समय, सिर्फ एक घंटा। ओके सर, दैट्स ऑल। चलो यहाँ से। KAO8F5379, रेड कलर वैन, ओमनी टाइप। आप सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ बोल। तुम्हें और कितनी बार बोलूं, लड़की को पब्लिक में मत उठाया करो। काम से मतलब रख, कैसे करना है मुझे मत सिखा, कब क्या काम करना है मुझे अच्छे से मालूम है, और वैसे भी तेरा। गाड़ी को साइड में लगा। How can I help you? जी मैं आपको अभी अपडेट करती हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए लाइन होल्ड करेंगे प्लीज? गुड मॉर्निंग। लाइन होल्ड करने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू जस्ट डायल। जस्ट डायल का मतलब होता है जनता जो चाहती है कमर्शियल प्रोडक्ट, उसे जनता तक पहुँचाना, वो हमारा काम है।
सो गुड लक एवरीबॉडी, मेरा कैबिन इधर है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे कैबिन में कभी भी आ सकते हैं। गुड लक। हेलो, वेलकम टू जस्ट डायल। सर माटुंगा रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, आसपास में कोई हॉस्पिटल है क्या? सर नो प्रॉब्लम, हो कॉलिंग जस्ट डायल। यमुना खाना खा लो। हमेशा बिना खाना खाए जाने की आदत हो गई है। माँ आईडी कार्ड कहाँ रखा है? वही किताबों के बीच में रखा होगा। मेकअप में इतना टाइम लगा रही है, थोड़ा खाना नहीं खा सकती? ये ले खाना, ऑफिस में खा लेना। अच्छा सुन, तुझे हमेशा नाइट शिफ्ट ही क्यों देते हैं? कभी डे शिफ्ट नहीं देंगे क्या? अगर दिन में काम पर जाऊंगी तो बहुत सारे लड़कों की नींद उड़ जाएगी, इसीलिए नाइट शिफ्ट करती हूँ, समझ गई ना? हाँ हाँ, तू रात भर काम करती है और तेरे बारे में सोच के मुझे नींद नहीं आती। शुरू हो गई आप, मुझे अपना ख्याल रखना अच्छी तरह से आता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। नहीं है, इसलिए तो मुझे डर लग रहा है। ये ले, ऐसे क्या देख रही है? तेरे लौटने तक मेरी जान हलक में अटकी रहती है, मालूम है तुझे? अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना, तो मेरे साथ काम पर चला कीजिए। तू मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? टेंशन मत लो माँ, कैब आने वाली है, हंसो, मुस्कुराओ ना। ठीक है, मुस्कुराओ ना माँ। ठीक है, संभल कर जाना, बाय। 6 बजे सेकंड कैब आएगी ना, संभल कर जाना। काम पर जा रही हो, आते वक्त पान लेकर आना। ठीक है। अब तक आया क्यों नहीं? गाड़ी अब तक नहीं आई क्या? नीलन उसे देखो ना, कैसे कार की ओर देख रही है, आज हम लेट हो गए। ये तो बॉयफ्रेंड को टाटा करने के लिए ऑफिस आती है। क्या हुआ, आज मूड ऑफ लग रहा है? आज तेरी आंख नहीं खुली क्या? चुप करना, मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ। गीता, जब हम काम पे लगे थे जो बात बताई गई थी आज भी वही बताई जा रही है। उनसे अब डे शिफ्ट मांगनी ही पड़ेगी। जब तक ये साथ में है हमें डे शिफ्ट नहीं मिलने वाली है। हेलो, 2010 साइनिंग इन। दही वड़ा में बूंदी वगैरह डालकर रेडी है क्या सर? हमेशा खाने की बात करेगा, जा जाकर काम कर। मैडम, ओ गुप्ता जी वाली। यमुना, तुम इतनी दुखी क्यों हो? नथिंग। ये देखो, जब ऑफिस के अंदर आते हैं तो दुख तकलीफ को छोड़ कर आना चाहिए। बाहर वॉचमैन बैठा है ना, उसको सारा टेंशन देकर ऑफिस में ब्लैंक होकर आने का, समझी? थैंक यू फॉर योर एडवाइस सर। थैंक यू। वेलकम। हमने किस सेवा को रोका है, बल्कि हमने 5 और सेवाओं को ऐड किया है। अरे ये टॉर्चर कॉल है सर। ऐ सुन, हमेशा तुझे टॉर्चर कॉल आता है ना, आज इसको कैसे आया? इसलिए तो मैंने अपना सारा कॉल इनको ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करता है तू? इसके लिए तू 15,000 पगार लेता है क्या? तुझे क्वालिटी मीटिंग में देखूंगा। बड़ा आया। यमुना, इसका टॉर्चर सुनने से बेहतर है फोन का टॉर्चर सुन ले यार। ओ, मोबाइल पे कॉल करो। मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया तुमने? बाइक पे था यार, ट्रैफिक की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज तुम खिड़की पर भी नहीं खड़े थे जब मैं आ रही थी। खैर वो सब छोड़ो, तुमसे मिलने के लिए बाहर वेट कर रहा हूँ। नीलन, मैं विकी से मिलने जा रही हूँ, फोन आएगा तो फोन कर देना। उठा उठा उठा। हे, तू किसको फोन कर रहा है? वेलकम टू डोकोमो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ, कंपनियों को हेल्प करना छोड़ो, अब मेरी मदद करो। चकन, तुम हो ना? अब हे, देखो यमुना, तुम्हारी बात सुनने के लिए ये सुबह तक यहाँ पे खड़े हो सकता है, पर मैं नहीं। हे, तुम दोनों की फोन की बात अगर मुझे भी सुनाता तो मेरा भी थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता ना। तब से हूँ करके मुझे गुस्सा मिला है, अब मुझे देना यार, इधर दे। तुमने खाना नहीं खाया विकी, जाकर जल्दी से खाना खा लो, घर जाओ
मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है ना? प्यार है ना यार, बचपन से तू उससे प्यार करता है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 साल से तू मुझे जो उल्लू बना रहा है ना वो ठीक नहीं समझा ना यार। क्या उल्लू? अरे छोड़ ना यार, गाड़ी निकाल। ए, प्यार करने वाले के साथ इस तरह से बात नहीं करते। कॉर्पोरेशन में फोन करता हूँ, वो गाड़ी भेजेंगे और तुझे उठा के लेके जाएंगे। दिमाग खराब करता रहता है। नहीं करते हैं यार, शमशान जाने की उम्र में वो लड़कियां सेट कर रहा है। मैं अच्छा खासा दिखता हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिलती। पकड़ 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 पकड़। अरे अरे, फिर से चालू हो गया। हाँ बोलो यमुना। वो तुम ऑफिस में आकर कुछ देने वाले थे ना? इसमें क्या बात है, ले लो। क्या हुआ? मिट्टी है पापा। चलो अंदर आ जाओ। कौन है? पापा। हाँ बोलो। कुछ नहीं पापा। ए बताओ ना कौन है? पापा। सुनिए, पापा पापा कह रहा है, जवाब तो दीजिए। माँ। क्या है रे? ए पापा है या मम्मी है? माँ। क्या हो गया, क्या हो गया इसे? पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। स्टैंड ही नहीं लगा पा रहा है, क्या होगा इस लड़के का? तेरा पति तुझे क्यों छोड़कर चला गया मुझे आज पता चला, बुढ़ी कहीं की। अरे जगन, तू कब आया? मुझे आए आधा घंटा हो गया, वो छोटे हाथी को ठिकाने लगा रहा था। क्या डैडी, सेकंड राउंड है क्या? मिलिट्री में होने का यही फायदा हुआ है, एंजॉय। ये तो अभी चालू है। पीना है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं पीना, मुझे बहुत भूख लगी है डैड। पीने के बाद खा लेना। खाने के बाद पीता हूं ना, क्यों मां? तू भी ना। मां मत चलो, मां खाना दो। तू भी खाना खा ले। आने वाला। ठीक है, मेरी मां क्या कर रही है जरा देखो तो। लाइट ऑफ है। सो गई क्या? ए खाना खा लेना। पुराने पेपर्स, लोहे का सामान, बेडरूम को रद्दी की दुकान बना दिया है यार, यहाँ सोएंगे तो नींद कैसे आएगी? अबे सो जाना यार, सुबह काम पे जाना है। रविवार के दिन तुझे ऐसा क्या काम है? जॉगिंग भी तो करना है ना। हाँ हाँ, तू हर रोज जाता है। अब कौन है इस वक्त? ए इतनी जल्दी सो गए क्या? सुबह उठकर आना है ना। मतलब तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? तुम्हें याद करते करते सो रहा हूँ ना, तभी तो तुम सपनों में आओ। नहीं तो मैं सपने में भी नहीं आती हूँ। मैं सुबह आऊँ या नहीं? ठीक है तो तुम सो जाओ, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। लगता है ये मुझे सोने नहीं देगा। ए विकी, ए तेरी घंटी बज रही है। ऑफ कर देता हूँ ना यार, सोने दे यार। ए ए विकी, बार बार बज रहा है, बंद कर ना इसको। ऑफ करके सो जाना यार। सोते रहना तो लगाता क्यों है? हेलो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस 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 अभी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, आ रहा हूँ। मुझे लात मार के चला गया ये, क्या 4 बजे जाग जाता है और इसका मिलिट्री बाप 5 बजे आकर जगा देगा। कैसे भी सो जा जगन। ये प्यार करने वालों के बगल में कभी नहीं सोना चाहिए। ओके बाय, रात में मिलते हैं। पता नहीं कहां से मिल जाते हैं। We are sending SMS to your number. कुछ नहीं,
भूत ने पकड़ लिया क्या? भूत मारता तो चलता ना, लेकिन सुबह सुबह किसी पागल ने दिमाग खराब कर दिया। ठीक है ठीक, छोड़ दे, कल यमुना का बर्थडे है इसलिए आज नाइट फुल टाइट। ये दोस्त सच बोल रहा है क्या? ठीक है, पार्टी कहाँ रखना है? कहाँ रखते हैं कहाँ रखते हैं? वाइन शॉप में 10 बजते ही गर्दन पकड़ कर उठा के बाहर फेंक देते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। 5-स्टार होटल में रखेंगे तो पास के रूम से आकर कहेंगे कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, मैनर्स नहीं है, डिसेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कहने लगेंगे। मुझे बहुत टेंशन होगा, फिर किसी का मर्डर करना होगा, ये भी ठीक नहीं है। और पार्क में रखेंगे तो तू सुबह 4 बजे उठ के जमुना से मिलने चला जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है बिल भरने के लिए, मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं है। और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सब जगह है, बताऊं क्या? कहाँ? तेरा घर। पापा अगर शराब पीते टीवी में देख ले तो टीवी उठाकर फेंक देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। सुन, तेरे घर पीते हैं, तेरे पापा ने मिलिट्री की शराब बचा कर रखी होगी, शराब अगर कम पड़ी तो उसमें से ले सकते हैं, क्या बोलता है? मेरे पापा के साथ अगर पार्टनर बनेगा तो शराब की एक बूंद नहीं मिलने वाली। सही बोल रहा है, वो तो हमसे भी बड़े शराबी है, अपने शराब भी पी जाएंगे। देख, मैंने फिक्स कर लिया है, तेरा घर वाइन शॉप है, तेरा बेडरूम बार है, और तेरा टेरिस डिस्को था। पूरी रात जम के पियेंगे, और तेरा बाप बीच में आया तो उसे पटक के मारेंगे। क्या हुआ दोस्त? गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी जब कॉल आता है तो तू हूँ हूँ के अलावा कुछ नहीं बोलता क्या? हैं? क्या हो गया तुझे? What happened man? Come to my cabin. ये कस्टमर से भी हूँ हूँ करता है क्या? क्या करूँ, याद आ गई। तुम नाराज मत हो ना, I'm so sorry. Please. कौन है बे? यमुना। क्या बात कर रहा था? बात क्या, ऐसा मत बोल, तू जो हमिंग देता है ना, मैंने भी वही किया। क्या बोला उसने? ऑफिस में कुछ काम है, तुझे वेट करने के लिए मना किया है। क्या, मुझे मना किया है? समझती क्या है खुद को? बर्थडे उसका है, पार्टी में तुम लोगों को दे रहा हूँ, अगर वो नहीं आई तो सारी शराब की बोतल तोड़ दूंगा। बात करके देखना, गुस्सा क्यों कर रहा है यार? करता हूँ करता हूँ। तू देखना, उसको बस एक बार फोन उठाने दे। यमुना, तुमने मुझे वेट करने के लिए मना किया है? नहीं, मीटिंग है। प्लीज यमुना, आ जाओ ना। बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरा जाना जरूरी है। सॉरी विकी। मैं तुम्हारा वेट करूंगा यमुना, प्लीज आने की कोशिश करना ना प्लीज। यमुना, फोन करती हूँ ना। बाय यमुना। हाँ, खाना खाने नहीं आई तू? आप जाइए ना माँ, चल जल्दी आ। क्या बोला उसने? बोली कि ट्राई करूंगी। ट्राई करेगी, बोली मतलब आएगी वो, टेंशन मत ले तू। Yes! मेरे पापा के आने से पहले पी लो यार। तूने अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार कब देखा? अरे बाप रे, वो 20 साल की कहानी है, उसका मुंह मत खुलवा, शराब पीकर चुपचाप निकल ले, समझा? ए, तू शांत रहे। हाँ बोल, क्या हुआ था? उसी की शराब और उसी का चकना बना रहे हो। मेरा प्यार और मेरी प्रेमिका की उम्र सेम है। उस दिन मैं बहुत खुश था, पूरा शहर बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन मेरी सबसे फेवरेट फिल्म रिलीज हुई थी। पापा पापा, जल्दी तैयार हो जाओ ना। मैं पापा, कब का रेडी हो गया हूँ? तेरी माँ 3 घंटे से साड़ी पहन रही है, उसे जाके पूछ ना। मामा जल्दी तैयार हो जाओ ना, माँ पिक्चर का टाइम हो रहा है। हेलो, हॉस्पिटल में मेरी को बच्चा हुआ है। बहुत खुशी हुई? लड़की हुई है। परी का जन्म हुआ है? बोलो। हाँ, हाँ, हम जिस बात में कर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अच्छा, डॉक्टर ने कल की डेट दी थी। कौन सा हॉस्पिटल? इवनी हॉस्पिटल। पक्का आता हूँ। क्या रे, इतना शोर क्यों मचा रखा है? किसका फोन था? मेरी का हस्बैंड था। क्या बात है, मेरी को लड़की हुई है? ऐसा है क्या? नॉर्मल हुई है ना, पहले बच्ची को देखते हैं फिर पिक्चर देखने चलते हैं। पापा बच्चा बच्चा बाद में देखेंगे, पहले पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर देखनी है मुझे, पिक्चर देखनी है। ऐसे नहीं करते बेटा, बच्चे को देखने के बाद हम पिक्चर देखने जाएंगे। रो मत बेटा, अरे मेरी बात तो सुनो। आप इसकी बात क्या मान रहे हैं? चुप कर, पहले बच्चा देखने जाएंगे फिर पिक्चर देखेंगे। चुप, मुझे पिक्चर देखने जाना है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊँगा, आप जाइए। आइए। सर नहीं आए क्या? बस आ ही रहे हैं, फल लेने गए हैं। मेरी, तूने जैसा चाहा था वैसी खूबसूरत परी को जन्म दे ही दिया। अरे वाह, कितनी प्यारी है विकी, देखना कितनी प्यारी बच्ची है। आ जा बेटा। नहीं, मुझे नहीं देखनी है। क्या हुआ? बात यह है कि हम पिक्चर देखने जा रहे थे, सब तैयार हो ही रहे थे कि इतने में फोन आ गया, इसे घसीटकर हॉस्पिटल ले आई, इसीलिए गुस्से में है ये। अच्छा, नहीं आऊंगा कहकर यहाँ तक आ ही गया। विकी, पिक्चर देखने चले?
माँ ये बच्ची मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही है। सुपर यार, ऐसे प्यार के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तूने कभी नहीं सुना? हाँ कभी नहीं सुना। सुनना खुशी फिल्म की तरह। सुनना यार, वो बचपन में बहुत खूबसूरत थी यार। वो बचपन नहीं था यार। हेलो, हैप्पी बर्थडे यमुना। ए कौन है? वही है जी, जान। हेलो, थैंक यू। मुझे मीटिंग में जाना है इसलिए नहीं आ सकती, तो मेरा वेट मत करना, सेकंड कैब में आते वक्त मिल जाऊंगी, ठीक है ना? किसी का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। इधर ला। हैप्पी बर्थडे यमुना। तू भी हूँ करता है, ये भी हूँ कर रही है। अच्छा सुन, जब वो मुस्कुराती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। एक दिन वो भी इसी तरह से रो रही थी। नहीं, एक और कहानी, मुझे नहीं सुनना यार, माफ कर दे मुझे। तो वो चला गया यार। हेलो, उस दिन उसके पापा गुजर गए थे, मैंने उसे पहली बार लिया, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के लिए है, वो जो भी मांगेगी मैं नहीं नहीं करूंगा, सिर्फ हाँ करूंगा, उसको कभी रोने नहीं दूंगा मैं। ए, क्या हुआ? मैं निकलती हूँ। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसकी माँ ठीक से बात ही नहीं करती थी, मेरे घर वालों से भी बात नहीं करती थी, इसलिए यमुना जो भी बोलती है उसके लिए मैं हाँ बोलता हूँ। ये तूने अब तक खत्म नहीं किया? ये सब क्या है? सब लोग सो गए हैं, घर जाने वाले थे ना? अरे इधर आना यार। क्यों, एक और कहानी सुनाने वाला है क्या? प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाप मुझे घर से निकाल देंगे। ए, 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 ए। आज मेरा बाप मुझे घर से निकालने वाला है। पापा मैंने शराब नहीं पिया, मैं तो बस चकना खाया पापा। अच्छा इसका फोन है, ये कैसा अलार्म बजा है? विक्की को जगा दो। विक्की, यमुना मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। वो मुझे डांटेगी, मैं बाद में कॉल करूंगा उसे। ये रुक जा। अरे यार शराब का नशा अभी तक नहीं उतरा, आएगी तो बहुत डांटेगी। लगता है बारिश आने वाली है, तुम्हें घर छोड़ दो क्या? कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हेलो विक्की, मैं मीटिंग में हूँ, नहीं आ सकती। बॉस आ रहे हैं, मैं रखती हूँ, बाय। जब मैं वेट करता हूँ तब तुम नहीं आती हो। इंतजार करते रहो। हे स्टॉप 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 स्टॉप, यमुना कहाँ है? वो तो फर्स्ट कैब में जा रही हूँ कह के निकल गई। मैं तो 4 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वो भी नहीं आई और कैब भी नहीं आई।
तुम हमेशा की तरह लेट आए होगे, तुम घर पर जाकर देखो। वो तो फर्स्ट कैब में निकल गई ना। हाँ वही तो मैंने कहा। चलो चलो, इन दोनों को हमेशा का यही नाटक रहता है। ए, रात भर कहाँ था तू? हाँ? कॉफी लाऊं क्या? क्या हुआ इसे? जवाब दिए बिना ही चला गया। वो तो फर्स्ट कैब में जा रही हूँ कह के निकल गई। आंटी, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? अंदर आइए ना आंटी। माँ कहाँ है? माँ नहा रही है आंटी। हा? पापा, बोलिए बहन जी, क्या हुआ है? क्या हुआ मेरी, क्या बात है? यमुना अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस से हमेशा की तरह टाइम पे निकल गई, आसपास में भी पूछ कर देख लिया, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। स्टेशन जाने में डर लग रहा है, आप में से कोई साथ चलेगा तो। रिकी, ऑटो लेकर आ। तो विक्की। हाँ कितना हुआ? 40 रुपए साहब। अच्छा ये ले। रो मत मेरी, हिम्मत से काम ले। चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, हमारे स्टेशन से कोई भी आदमी नहीं जाएगा। आप दूसरी जगह फोन करिए, वो लोकेशन हमारे एरिया में नहीं आता है। हाँ, सर ठीक है। बोलिए। की लड़की काम पर गई थी, घर नहीं आई है, उसी की कंप्लेंट लिखाने आए। मिसिंग है क्या? उस टेबल पे जाओ। हाँ, सर, बोल। मुझे जाने दो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। तूने जो किया है ना उसकी सजा यही है, चुपचाप बैठा रहे। सर सर बोलिए। इनकी लड़की काम पर गई थी, घर नहीं आई है, कंप्लेंट लिखानी है। वो मेजर है? मेजर या माइनर? मेजर है। आपकी लड़की है क्या? हाँ सर। फोन किया था क्या? फोन ऑफ आ रहा है सर। लड़की जहाँ काम करती है उस ऑफिस से किसी को बुलाया था क्या? हाँ सर। तो तुमने उनके फ्रेंड्स और रिलेशन वालों को फोन किया था क्या? सब करके देख लिया सर। विक्की ठीक है, वेट कीजिए, इंस्पेक्टर साहब अभी आते होंगे। क्या हुआ यार? पता नहीं यार, फर्स्ट कैब में भी नहीं, सेकंड कैब में पूछा तो उसमें भी नहीं थी वो। फोन करके देखा तो वो स्विच ऑफ बता रहा है। बहुत डर लग रहा है यार। देख तू अपना मुंह मत खोलना, उसकी माँ यहाँ पर है। अब ए, जल्दबाजी मत कर, पापा ने हाईकोर्ट के लॉयर को बुलाया है, तब तक शांत रहे, समझा ना तू। लड़की का नाम? यमुना। यमुना क्रिस्टीना। यमुना, बाप? वो नहीं रहे सर। लड़की कहाँ काम करती है? कॉल सेंटर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है सर। कॉल सेंटर, कब से लापता है? आज सुबह से। सुबह से मतलब? नाइट ड्यूटी सर। नाइट ड्यूटी। कितने बजे ऑफिस के लिए निकलती है? रात को 9 बजे। 9? ऑफिस किससे जाती है? ऑफिस की कैब से सर। कैब में ड्राइवर का नाम क्या है? पता नहीं सर। इन्फॉर्म किया? ड्राइवर को ऑफिस से आने के लिए कहा है सर। विकी, कैब में यमुना के साथ कौन कौन आता है पता है? नहीं सर। वो कौन है? मेरे बेटे का फ्रेंड है सर। साथ में कौन कौन काम करता है ये भी आपको पता नहीं? उन लोगों का नंबर भी आपके पास नहीं है, ड्राइवर का नाम पता नहीं, लड़की कहाँ काम करती है ये जानना जरूरी नहीं? लड़की जो कमा के देती है उससे मतलब है? अखबार नहीं पढ़ती हो? डेली सिटी में क्या क्या होता है पता नहीं? अभी बैठ कर रो रही हो? यही है जिसके बारे में बताया था। पार्टी पब में कहीं जाती है क्या? वो ऐसी नहीं है सर। आपकी लड़की किसी से प्यार करती है क्या? नहीं सर। नहीं करती।
आपने कहा लड़की मेजर है, अब ये लोग केस नहीं लेंगे, ये लव अफेयर है, किसी के साथ भाग गई, किसी से शादी कर ली, ऐसा कुछ बताएंगे। 3 दिन वेट करेंगे ये देखने के लिए कि वो वापस आ रही है या नहीं। डेली कितने बजे ऑफिस से घर आती है वो? 6 बजे सेकंड कैब आएगी ना? 6 बजे सर। पुलिस को कन्विंस करने से अच्छा है जाकर कोर्ट को कन्विंस करना। ABS वाले फाइल करेंगे तो 24 घंटे के अंदर उस लड़की को कोर्ट में पेश कर देंगे। सर, ये यमुना के ऑफिस के टीम हेड है। हेलो सर। और वो ड्राइवर है। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? स्वामीनाथ। ऑफिस में लड़की कैसी है? बहुत अच्छी लड़की है सर, ऑफिस की पार्टी में भी शामिल नहीं होती। नाइट शिफ्ट में लगभग कितने लोग काम करते होंगे? लगभग 150 लोग होंगे सर। सभी के लिए कैब है क्या? हाँ सर। तुम्हारा एरिया कौन सा है? माटुंगा रोड सर। कब से गाड़ी चला रहे हो? 6 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ सर। डेली कितने बजे पिकअप करता है? 9 बजे सर। कहाँ? इनके घर के दरवाजे से। कितने बजे तक पहुँचता है ऑफिस? 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ सर। उसके अलावा और कितनों को पिकअप करता है? 5 लोग सर। अच्छा, लड़की को कहाँ रखा है? सर कहाँ रखा है लड़की को? सर, उस लड़की को उतारने के बाद और 2 लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया सर। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो सर, वो जहाँ डेली उतरती है वहीं उतार दिया सर। डेली उसे कहाँ उतारता है तू? कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। उनके घर के पास बीच रोड पे उतार के चला जाता हूँ सर। जब घर से पिकअप करता है तो बीच रोड पे क्यों ड्रॉप करता है? वो लड़की हमेशा वहीं उतरने के लिए कहती है सर। कितने बजे ड्रॉप करता है? डेली सुबह 4 बजे तक ड्रॉप कर देता हूँ सर। वो डेली कितने बजे घर पहुंचती है? 6 बजे सर। यहाँ खड़े रहने से कोर्ट जाना बेहतर होगा, क्या सोच रहे हो बेटे? पापा से पूछ कर आता। ठीक है, यमुना के साथ काम करने वाले सभी को बुलाओ। ए, तुझे जब बुलाओ स्टेशन आना होगा। ठीक है सर। ये केस दूसरी तरफ जा रहा है, इमीडिएटली FIR फाइल कर दो और सभी को फॉरवर्ड कर दो। यस सर। लड़की की फोटो दे दी क्या? लेकर नहीं आई सर। हाँ आ जाओ, खाली हाथ आ जाओ, मैं आपका एक ही केस डील कर रहा हूँ क्या? जाओ जाकर फोटो लेके आओ। आओ मेरी विकी से कहकर घर से फोटो लाने को कहते। जाओ जाकर लेकर आओ। सर यानी डेली 2 आवर्स तेरे साथ रहती है ना? क्या प्यार करता है? लड़की को कहाँ रखा है तूने? कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है मेरी बेटी? देखी नहीं क्या? बोल। इसलिए मैं अपने पति के गुजरने के बाद किसी से बात नहीं करती थी और तूने सुनी सुनी जाने दीजिए। बता नहीं हम बात करते हैं ना। हेलो हेलो बात मानिए। इन लोगों को बाहर लेकर जाओ, जाओ बाहर जाओ। चलिए चलिए आप लोग, चलिए चलिए आइए। चलो मेरी। हाँ चलिए, वहाँ चेयर पर बैठ जाइए। मेरी तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कितने टाइम से प्यार करता है? लड़का कौन है? लड़की का लवर है सर। ABS वाले फाइल करेंगे तो हमारा काम कम हो जाएगा और इंस्पेक्टर का काम बढ़ जाएगा। अब तक फिरौती का कॉल नहीं आया ना? आप इनके लड़के को कब से जानती हैं? उसको बचपन से जानता हूँ सर, एक दिन भी वो बिना मुझसे बात किए रहती नहीं थी। आपको किसी पे शक है क्या? मुझे तुझ पर शक हो रहा है, लास्ट कॉल तूने ही किया था ना, सुनसान जगह पर तूने उसको बुलाया। आज उसका जन्मदिन है सर, उसके बिना बहुत दुख हो रहा है सर, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर, प्लीज। ढूंढ कर दूं? सुबह 4 बजे ऐसे प्यार करने की क्या जरूरत है? वो प्यार करने का टाइम होता है? आज के डेट में क्या चल रहा है पता है ना तुझे? उसके लापता होने की पहली वजह तू है, जब अंदर करूंगा तब पता चलेगा। आइए सर। नमस्ते सर। बैठिए। क्या बात है? यमुना के केस के मामले में ये लेकर आए हैं। अभी एक्यूज्ड फंसा है। सस्पेक्ट बोलिए सर, प्यार करने वाले एक्यूज नहीं होते। यमुना किसी से प्यार करती है क्या? सर मैंने विक्की को 1-2 बार देखा है सर। विक्की को आखिरी बार आपने कब देखा? यमुना कहाँ है? जब मैं सेकंड कैब में ऑफिस से वापस आई तो उसे वेट करते देखा। यमुना कहाँ है उसने पूछा था। जहाँ वो काम करती है वहाँ टॉर्चर ब्लैकमेल ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। वो यमुना से कब से प्यार करता है मालूम है क्या? बहुत दिनों से प्यार करता है। यमुना डेली काम करके कहाँ उतरती है? माटुंगा रोड सर्कल पे सर। मैं आपकी बात समझ गया सर। सर ABS में फाइल करने के लिए बोल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गया। ABS वाले फाइल कर देंगे तो जाकर ढूंढेगा क्या? तब भी मुझे ही आना पड़ेगा सर। सर 1 मिनट।
लड़की के बारे में पूछताछ की है। कैब आने तक लड़के ने वेट किया है। बहुत दिनों से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर में पता चल गया, मैटर ओपन हो गया। लड़के से थोड़ा इंक्वायरी करेंगे तो अपने लिए अच्छा होगा सर। ठीक है, आप अच्छी तरह से इंक्वायरी करो। ओके, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है सर, FIR फाइल कर दी है। CRP को सभी स्टेशन में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ह्यूमन रेस्क्यू, ब्रोथल केस, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, मॉर्चरी तक चेक कर लेता हूँ। और आप, वो लड़की कहाँ जाती है? ब्राउजिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कपड़े सिलवाने, फ्रेंड्स के घर, शॉपिंग मॉल, हर एक जगह ढूंढो। कहीं भी डाउट लगे तो तुरंत मुझे कॉल करो। ठीक है सर। मुझे अभी भी तुम पर शक हो रहा है। ठीक है, उस लड़की के मोबाइल का IMEI नंबर ला के दो। साइबर क्राइम को देकर सिग्नल रीच हो रहा है क्या, देखने को बोलते हैं। पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी है ना, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे। क्या हुआ? यमुना के फोन का IMEI नंबर मिलेगा तो उसको ढूंढने में आसानी होगी, कह रहे हैं ऐसा। रो मत यमुना, मैं हूं ना। अरे ये केरला माल को कौन लेकर आया है? सब अपने ही आदमी लोग हैं। अभी पहुंचने में 3 घंटे और लगेंगे। खाने के लिए चॉकलेट वगैरह नहीं रखते है क्या? हाँ बोल। केरला माल को उठाने में 3 घंटा वेस्ट कर दिया ना। उठा लिया ना। तेरा लवर है क्या? अब इसके यहाँ कोई जरूरत नहीं। क्या रे, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सर, कोई CRP भेजा है, जरा देखो। अरे वो सब तो आते रहता है, तू अपना काम करना। हेलो, यमुना के फोन को ढूंढ लिया गया, जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। अभी आते हैं सर। फोन कॉल मार क्यों रहे सर? लड़की कहाँ है रे? कौन सी लड़की सर? मेरी तो एक ही लड़की है सर। तो मैं कसम खाकर कहता हूँ सर, बेसेंट नगर बीच के पास जब मैं पोस्टर चिपका रहा था तभी ये फोन मिला सर। कसम से मैं उस लड़की के बारे में नहीं जानता हूँ सर। फोन तो दिया ना सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर वहां ले जाकर पूछो इससे। तुम लोग इधर आओ। मार मार के बुरा हाल कर दिया। अरे मार। फोन ऑफ करके रखेगा तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसा सोचा था। कॉल लिस्ट देख लिया, इनकमिंग और आउटगोइंग में विक्की करके है। तुम ही हो क्या? हाँ सर। पोस्टर चिपकाने वाला बता रहा है फोन बीच रोड पे मिला था। सभी साइड से इंक्वायरी करके देख लिया, एक भी एविडेंस नहीं मिला। वुमेन्स रेस्क्यू होम, ब्रथल केस, एक्सीडेंटल, हॉस्पिटल, एक भी एविडेंस मिला होता तो उसके जरिए फॉलो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, पूरा ब्लैंक है। चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, अदर स्टेट की मदद ले सकते हैं। सर जरा ये देखिए सर, वहां कौन खड़ा है? तुम हो क्या?
सर। मोड ऑफ एक्शन सोचा था, लेकिन प्रोफेशनल किडनैपर हैं। इमीडिएटली एवीएस स्टेशन जाना होगा। हमसे अच्छे वो मूव कर सकते हैं। सर आपने कहा था एविडेंस होगा तो आप ढूंढ लेंगे सर, अब मैं कहां जाऊं सर? मैं एविडेंस देखने के बाद ही बोल रहा हूं। हमारे मूव करने से ज्यादा एवीएस इजीली मूव कर सकते हैं। एवीएस मतलब एंटी वाइस स्क्वाड, वेश्यावृत्त निरोधक इकाई। सिटी में ब्रोथल करने के लिए लड़कियों को किडनैप करना, अदर स्टेट से ब्रोथल करने के लिए लड़कियों को लेकर आना, ऐसे सारे अपराधियों की लिस्ट एवीएस वालों के पास होती है। ढूंढ लेंगे वो, फिकर मत करो। सुबह ही हुआ था क्या? हाँ सर, एविडेंस सर। इसमें आप ही खड़े हो ना? कार के जरिए सिटी में एक्टिविटी से लग रहा है कि ये अंदर वाले ही लोग हैं। सी, लड़की यहाँ धंधा करने वाले के हाथ लग जाए तो आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट ट्रैफिकिंग मैटर हो गया तो कमिश्नर से परमिशन लेने के बाद ही हम कोई कदम उठा सकते हैं। संगम, रवि और मारिया का स्टेटस बताओ। एक्यूज्ड को पकड़ लिया है सर, और पिछले महीने कॉलेज गए उस प्रिया का केस है। हेड कहाँ है? मेडिकल लीव पर है सर। सर प्लीज सर, सुबह से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उनको कहो कि मैंने बुलाया है। यस सर। आप लोग बाहर वेट कीजिए। ठीक है सर। तुम्हारे बोलने से नहीं जा सकता मैं। हम लोग पहले से ही 3 घंटे लेट हैं। इनको दवा देकर 2 घंटे हो चुके हैं। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। सिक्योरिटी को पैसा दिया है ना? सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पैसे मांगा तो दे दिया उसे। फ्लाइट आ गई लगता है, गाड़ी स्टार्ट कर। करेक्ट टाइम पर आ जाएगी ना? बोला ना स्टार्ट कर। या I'm coming back। अच्छा था है ना? हाँ। या बात की उससे? ओके। हे, हाउ आर यू गोइंग बैक? विल यू जॉइन अस? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके। या। By taxi, you wanna join? No, I'm not coming by taxi. I'm going with my boyfriend. Okay. Yeah, sure. Okay, bye. 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 Hello. No, I can't even wait for 2 minutes. Come down soon. Yeah, come fast. Bye. ये ले तेरा इनाम। थैंक यू। गाड़ी निकाल। सर यहाँ का हेड कौन है? स्टेशन में यही सीनियर हेड कांस्टेबल है। एसी को भी डाउट होता है तो इनसे ही पूछते हैं। अब जा जाकर बैठना। बैठ। 4 बजे फोन नहीं किया तो मैडम को कितना गुस्सा आता है। बाप रे, क्या लुक है, कितनी गालियां, कितना प्यार है। पैसा लेकर प्यार करने में तुझे इतना घमंड है तो सच्चा प्यार करने वाले क्या कुछ नहीं कर सकते। बता और क्या क्या करती है तू? कुछ बोलेगी या फिर दूसरों की तरह तुझको भी ट्रीट करूं? सर हाँ। ठीक 4 बजे का केस है, क्या करें? है वो अपने पेट के लिए कमाने वाली लग रही है, छोड़ दो इसे। 1 महीने से इंतजार करके इसको पकड़ा है और ये बोल रहे हैं एड्रेस और फोन नंबर लेकर छोड़ दो। फाइल दे दिया ना, तो जाकर उनको भेजो। यस सर। सर दयानंद, ये देखिए कार से किडनैप किया गया है। सुनिए, आपको अंदर बुला रहे हैं।
ये वीडियो देखकर लग रहा है कि प्लान करके किडनैप किया गया है सर। ये कौन सा स्टेट है पता नहीं। आप इनको ले जाकर अपने तालाब में जितनी भी बड़ी मछलियां हैं उनको दिखा दो। ओके सर। देखो मिस्टर, ये आपको कुछ जगह पर ले जाएंगे, आप इनके साथ जाइए। सरनंद, कुछ सस्पेक्ट होगा तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना। यस सर। यू गो विथ हिम। ओके चलो, गाड़ी है ना? है सर। विक्की सर, ये कार में करने वाला बिजनेस है, अगर थोड़ी भी चूक हुई तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। तू एक काम कर, वो लोग आकर तुमसे जो भी कहेंगे वैसा तू कर। तू उन लोगों को फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो करता हूँ। तू समझ गया ना? ठीक है सर। ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हूँ सर। कौन सा एरिया? के नगर। कार भेजोगे तो पार्टी आ जाएगी। 20 सर, सभी वीआईपी हैं सर। के ड्रॉर खोलो। अपनी हालत पे कैसे रो रही। सर चाबी यहाँ पर है। सबको खटखटाओ। एक 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 कोना ढूंढा पर तू मिली ना। खुद से मैं नाराज हूँ, कैसे मैं तुझसे कहूँ। हिम्मत नहीं मैं हारूँ, प्यार की शक्ति मुझ में है। पर तू मुझ में है सनम। ईश्वर मुझको अपनी शक्ति दे जरा। विक्की, मैं पूछताछ कर रहा हूं ना, खुद पे कंट्रोल रखो। तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो सर? अभी तक कोई सुराग मिला कि नहीं बताओ। नहीं सर, देख रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। देखो फोन पे फोन आ रहे हैं, उस लड़के को लेके पुलिस स्टेशन आ जाओ। यस सर। नहीं और मत जाना। ओके सर। विक्की, साहब का फोन था, हम दोनों को तुरंत स्टेशन बुलाया है। वो मिल गई क्या सर? पता नहीं, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो मेरे साथ। सॉरी सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो लड़की कहीं नहीं मिली। लड़के के हाथ में एविडेंस भी है। हाँ सर, चाहिए तो फर्दर मूव करके देखते हैं। नहीं दयानंद, पहले जहाँ सर्च किया है उन जगहों से काफी प्रेशर आ रहा है। अगर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते दयानंद, तो केस को ट्रांसफर करना पड़ सकता है। विक्की, सर बुला रहे हैं, चलो। सर, आपने लोकल स्टेशन में बताकर हर एक जगह पर ढूंढ कर देख लिया, हमने भी पूरी कोशिश करके देख ली। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि इस केस को ट्रांसफर ही करना पड़ सकता है। देखो मिस्टर, व्यक्ति तस्करी निरोधक डिपार्टमेंट, ये CBCID का एक स्पेशल यूनिट है। दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर यहाँ धंधा करने वाली उन लड़कियों का हम रिकवर करते हैं। यहाँ से किडनैप करके विदेश या दूसरे राज्यों में ले जाकर धंधा करवाते हैं, उनको रिकवर करने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग सेल ही डील करता है। नो! विक्की, उसको किडनैप हुए 14 घंटे हो गए हैं। यहाँ जाओ तो वहाँ जाने को कहते हैं, वहाँ जाओ तो यहाँ जाने को कहते हैं। अब आप कहीं और जाने के लिए कह रहे हैं, मुझे अभी जवाब चाहिए। ऐसे चिल्लाओ मत मिस्टर, आप एविडेंस लेकर आए, इसके जरिए हमने इतना एक्शन लिया है। एविडेंस की वजह से कितने केस पेंडिंग में पड़े हैं पता है तुम्हें? आप जिस जगह पर देख के आए ना, उस जगह पर धंधा चलता है, धंधा। अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो दूसरे फिर से धंधा शुरू कर देते हैं। कुछ भी कर लो, ये धंधा रुकने वाला नहीं है। बस ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए तुमको दिखाया। वो लड़की को हमने ढूंढा, वहाँ नहीं है ये हमें पता चला। बेवजह चिल्ला रहे हो तुम, बेवकूफ समझते हो हमें। दयानंद, टेक हिम आउट। यस सर। आओ आओ मेरे साथ, चलो। सर मैंने कहा जाओ यहाँ से। विक्की, फिक्र मत करो, हम ATC में जाकर देखते हैं। वहां जाके क्या होगा,
वो भी लोग आपस में दो चार कॉल्स करेंगे, फिर वो भी कहीं और भेज देंगे, और क्या होगा सर? तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। एसी सर ने बताया था ना, इस धंधे को चलाने वालों को सपोर्ट करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनमें से किसी को भी हाथ लगाएंगे तो फोन कॉल आ जाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा शांति से डील करेंगे। अगर वो आपकी बेटी होती सर, तो भी आप ऐसी ही बातें करते सर? इसके लिए उसको यहां होना चाहिए। कौन है सर? चार्ल्स एंथोनी, पहले एडीसी में एडीजीपी था। अगर आज वो होता ना, तो सिर्फ यही लड़की नहीं, किसी भी लड़की को उठा नहीं सकते थे वो लोग। एविडेंस देखते ही बता देता कि किसने किडनैप किया होगा। 5 साल पहले जब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तब वो हर पुलिस स्टेशन में व्यक्ति तस्करी निरोधक डिपार्टमेंट लाना चाहते थे। लेकिन आज ऐसे ऑफिसर को घर पे बिठा दिया है। अगर आज वो यहां होते ना, तो वो लड़की इस वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होती। सर वो मिलेंगे कहां? जब से वो इस डिपार्टमेंट को छोड़कर गए हैं ना, तब से वो पुलिस से नफरत करते हैं। चाहो तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूं, तू जाकर उनसे मिल। सर, चार्ल्स एंथोनी, क्या चाहिए? सर यमुना सर, किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, कार में किडनैप करके ले गए सर। किडनैप हुई है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो ना। किया है सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया सर। एवीएस के दयाल जी ने बताया कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं सर। अरे यूनिफॉर्म पहनकर तनख्वाह लेने वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब ठीक है, क्या चाहिए तुझे? सर प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए सर, उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, प्लीज सर। तो जाकर ढूंढो। अरे मैं ढूंढ चुका हूँ सर, जितना मुझसे हो सका मैंने हर जगह ढूंढा सर। जहां मैं गया अगर वो वहां गई होती तो मर चुकी होती सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, वो मेरी जान है सर। चुप कर, ऐसा ही एक और आया था, मेरी जान को उठाकर ले गए, बचा लो उसे। उसको ले जाकर मुंबई में भेज दिया, जो काम यूनिफॉर्म में करना था वो बिना उसके किया, लड़की को बचा कर लाया। जिस मुंह से उसे अपनी जान कह रहा था, उसी मुंह से वैश्या कहकर बुलाया उसने, मेरे ही सामने सुसाइड किया उसने। क्या यही प्यार है? हाँ? चला जा, तू, तुझे कोई और मिल जाएगी, उससे प्यार कर लेना। जा, बड़ा आया प्यार करने वाला। सर वो मुझे चाहिए सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ सर। वो चाहे जिस हालत में भी आए, मैं उसके साथ रहूंगा सर। सर ये देखिए सर, सर देखिए सर, प्लीज सर, सर देख लीजिए ना सर, प्लीज सर। सर इसे देखने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता हूँ सर? ये कितने बजे तुझे मिला? दोपहर में 2 बजे सर। उसको कितने बजे उठाया? सुबह 4 बजे। हाँ? सुबह 4 बजे सर। हाँ? पुलिस इस एविडेंस को देखकर क्या बोली? सिर्फ केस को ट्रांसफर कर रहे हैं सर, लोकल एवीएस एटीएस, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है सर। आखिरी सांस तक तू उसका साथ देगा ना? मैं वादा करता हूं सर। वो लड़की चाहे जिस भी हाल में हो, तो उसके साथ रहेगा। तुझे वो लड़की चाहिए, मुझे ये नेटवर्क चाहिए। इस तरह का अगर एक भी एविडेंस मिला होता ना, तो मैं इस नेटवर्क को खत्म कर चुका होता। समझ गया ना तू? मैं ये तेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। जब भी किसी का किडनैप होता है, 13 तरीके से उसका बिजनेस होता है इस दुनिया में। उसकी वजह से काम दिलवाने के बहाने उसे विश्वास देकर धोखा देना, प्यार करता हूं कहकर शादी करके ब्लैकमेल, डरा धमका कर उसको पीट कर उसको भूखा रखना, और ऐसे भी है हीरोइन बनाने का झांसा देकर मॉडल बनाने का सपना दिखाकर उसके साथ रेप करना, ऐसा बहुत कुछ होता है। ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ यही एक बिजनेस है जिसमें आमदनी कम नहीं होती है। आज सिर्फ यमुना ही नहीं, मुंबई में ऐसे कई केस हैं
उसमें दो लव अफेयर हैं, किसी में भी एविडेंस नहीं है तुम्हारे अलावा। बाकी लड़कियों का क्या हुआ पता नहीं। इस तरह महीने में 120, साल में 1400, इतने सारे केस केवल मुंबई में हैं। पूरे इंडिया, पूरे एशिया, जरा सोच कर देखो, साल में 800,000 लोग। ड्रग्स के बाद लड़कियों का ही बिजनेस ज्यादा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा अपराध यही है। तुम लोग जैसा सोचते हो ऐसा केस नहीं है ये। किडनैप करके रेप करने का भी केस नहीं है। इंसान, इंसान के लिए इंसान को बेचना, यस इट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लड़की यहां पर कितने बजे आएगी ये उनके लिए काफी है। लड़की के बाल से लेकर नाखून तक माल मिलता है, असेलेबल प्रोडक्ट। मैं जहां भी गया वो वहां नहीं है सर। तूने कितने लोगों को देखा? करीब 30-40 लोगों को। आज ही रात सिटी में केवल 6,500 लड़कियां हैं। उन लोगों के लिए 4,500 लोग दलाली करते हैं। ये सब रिकॉर्ड के मुताबिक है। बिना रिकॉर्ड जाने कितना होगा। तुमने जो देखा वो लोकल है भाई, ये इंटरनेशनल है। उसके बाद तुम जिस भगवान को मानते हो वो भी उसको नहीं बचा सकता है। ये लोग बहुत ही शातिर और चालाक होते हैं भाई, कब क्या करते हैं पता नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं सर? दिस वे आउट, करुणा प्रसाद स्कीम। अभी हम लोग कहां जा रहे हैं सर? बताता हूं, बेल्ट बांधो। टैंक भरने को बोलो। टैंक फुल करो। ये करुणा प्रसाद कौन है सर? एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग गाय। दुबई में ऊंट की देखभाल करने गया था, एक शेख को इसकी बीबी पसंद आ गई, इसने उसको बेच दिया। तब से पैसों की लत लग गई, इंडिया से विदेशों में काम करवाने के बहाने लड़कियों को बेचने लगा। अपने नेटवर्क को बड़ा किया। हाँ, और आज दुनिया में सभी नेटवर्कों के साथ उसका लिंक है। सर उसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी चलानी आती है तुझे? गाड़ी आती है? विक्की। इस नोट का सीरियल नंबर नोट कर ले। हाँ, DS 720 720 119 119। कम नोट में क्या लिखा है सर? मेरा फोन नंबर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हम यहाँ रूम बुक कर रहे हैं। श्योर सर। कुड यू टेल अस द टैरिफ ऑफ दोज कॉटेजेस? या 5,500। ओह, चार्जेस ग्रॉस एंड इट्स 7,500 प्लस टैक्सेस। ओके। सर कम इन। ओके। ड्रेस पहन के रेडी हो जा। ये लीजिए मैम। हम जहां जा रहे हैं उनके आदमी हो सकते हैं, हमें केयरफुल रहना होगा। आई नीड योर सीरियल नंबर प्लीज। ओ या, उसे 5 लड़कियां, फोन जरूर रहेगा। लो वही है। हेलो, हे लिसन, कैन यू अरेंज और नॉट? डोंट वेस्ट माय टाइम।
Yeah, we can arrange it, but my boss will meet you. Sure, why not? Let's go. Hey, handsome! Namaskar! Kaise ho? Sit down, baby. Local? Yeah, international. Local chahiye hota to tere paas aate kya? Oh, international business, baby. Awesome. Kis desh ki chahiye? England, African? Huh? Pakistani? NRI? Russian? Hi. 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 बहुत कुछ डेवलप कर लिया है, लैपटॉप, फॉरेन फिगर, हैं? बिजनेस अच्छा चल रहा है। सर, अब ड्यूटी पर है क्या? ए, तुझे पकड़ने के लिए मुझे ड्यूटी में होने की कोई जरूरत नहीं। देख सुन, मुझे तू और तेरा नेटवर्क नहीं चाहिए, विकी। ये लड़की। सर, बहुत खूबसूरत है सर, एक्सेलेंट फिगर है सर, अच्छा रेट मिलेगा सर, चाहिए क्या सर? उठा लूं इसे? उसे पहले ही कल उठा लिया गया है। अच्छा, उठा लिया? हमारे जैसे लड़के ऐसी लड़कियों को छोड़ता है क्या सर? क्या बोलते हैं? सही कहा ना सर? अभी ये लड़की किस नेटवर्क में होगी? क्या सर? आप तो बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। अब बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा सर, कहीं और पहुंच गया सर। जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आज मेरे जैसे 10 लोग हैं सर। व्हाट यू से बेबी? यस। ए, तू अभी बताएगा या नहीं? सर बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा सर, आजकल बिजनेस तो इसके अंदर आ गया है सर। ये देखिए सर, आज सिंगापुर में ऑक्शन चल रहा है सर, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं सर, इसमें से आपको कौन चाहिए सर बोलिए ना, एजेंट खुद आके आपके रूम पे छोड़ देगा। आज का बिजनेस तो ऑनलाइन और इंटरनेट पे पहुंच गया है सर, वरना मैं इस लैपटॉप और ये फिगर को लेकर क्यों घूमूंगा सर, बोलिए ना सर, आप तो समझदार है। तू बताएगा नहीं हा? तो यहाँ कौन ये सब चलाता है सर? अगर मैंने बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी सर। Oh my God. नहीं बोलेगा तो ही जान जाएगी। आपको खुद भी पता है कि गन को खुश करना ही मेरा धंधा है ना। क्या सर, इसमें गन निकालने की क्या जरूरत है? अब बताइए ना क्या चाहिए आपको? इंडिया में कब नीलामी हो रही है? कल गोवा में। यहाँ लड़कियों का किडनैप कैसे करते हैं? रोड से सर, रास्ते में किडनैप कर लेते हैं ना सर। सागर, सिमोहा ऐसी जगह पर कोई मुसीबत आती है तो छिप जाते हैं सर। कौन सा रूट बताया तूने? NH-17 बोला सर। और क्या सर, गोवा के बीच पे ले जाकर छोड़ देते हैं लड़कियों को। What? और हाँ सर, डॉक्टर के पास ले जाकर वर्जिनिटी चेक करते हैं, हाथ लगे माल को लोकल में बेच देते हैं, और फ्रेश माल को तो इंटरनेशनल लेवल पर नीलामी में बोली लगाते हैं सर। और खरीदता कौन है किसी को नहीं पता सर। मतलब तू ये कहना चाहता है कि अगर हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए तो नीलामी में खरीदना पड़ेगा। ओके, तेरे एजेंट का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? हाय ब्रदर, हाउ इज द कॉफी? राइट, ऑल राइट। द पासवर्ड? डोंट वरी गर्ल्स, आई ऑलरेडी फिक्स द बार। सेफली वो कहीं रुकेंगे। क्या हुआ सर? विकी, तू गाड़ी से उतर। क्या हुआ सर? गाड़ी से उतर, बोला हूं ना, जल्दी उतर। क्या हुआ सर? जल्दी उतर, बताइए तो सही। क्विक क्विक जा। लेकिन सर हुआ क्या? ये ले, एजेंट का यूजर नेम और पासवर्ड है इसमें। जा पीछे, जा पीछे, जा। गो, आई सेड गो। पीछे जा, मैं कह रहा हूं। पीछे क्या हुआ सर? गो सर, क्या हुआ? मैंने कहा जा। Ah.
रो मत यमुना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे अपने साथ लेकर चलिए ना, इस बिजनेस से मैं बोर हो चुका हूँ। मैं आपकी गन पकड़कर आपके पीछे रहूंगा सर। ए, रुक, रुक जा, मैं कहता रुक जा, रुक, रुक, ए उठ, उठ, छोड़ो, भागना चाहती थी, छोड़ो मुझे, भागना चाहती थी तू। उसको किडनैप हुए 14 घंटे हो गए हैं, यहाँ जाओ तो वहाँ जाने को कहते हैं, वहाँ जाओ तो यहाँ जाने को कहते हैं। आप एविडेंस लेकर आए, इसके जरिए हमने इतना एक्शन लिया है, एविडेंस की वजह से कितने केस पेंडिंग में पड़े हैं पता है तुम्हें? गाड़ी को साइड में लगा। उधर कर क्या? चलो अब। ए, जल्दी कर, देर हो रही है, इतना टाइम लगाती है। क्या चाहिए? बाइक। 20,000। ए, जल्दी लाओ, लाओ उसे, छोड़ो उसे, लाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो उसे। बेटी, अरे गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, एक गाड़ी रुको, मेरी बेटी, मेरी बेटी, अरे गाड़ी रुको, अरे गाड़ी रुको, मेरी बेटी। एक काम, एक बात बताऊं, कृष्णा सर की आंखों के सामने से उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया। ए कृष्णा, इंस्पेक्टर सर, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया, ये सब क्या चल रहा है? 1 घंटे में अगर मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी सर, सारे चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दिया गया है, आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। ए, किससे फोन करवाऊं? होम मिनिस्टर, सीएम से, पीएम से? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। 1 घंटे का समय, सिर्फ 1 घंटा। ओके सर, दैट्स ऑल। चलो यहाँ से। KAO8F5379, रेड कलर वैन, ओमनी टाइप। आप सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ बोल। और कितनी बार बोलूं, लड़की को पब्लिक में मत उठाया करो। काम से मतलब रख, कैसे करना है मुझे मत सिखा, कब क्या काम करना है मुझे अच्छे से मालूम है, और वैसे भी गाड़ी को साइड में लगा। अभी क्या करेंगे? हाँ
चला यार, अभी जा नहीं सकते। तुम कहाँ हो यमुना? विक्की, विक्की, हेलो यमुना। सागर को पार करते ही तरगू जाते हैं और फिर हाईवे। ठीक है चलते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? अब चल। हे जगत। हाँ कहाँ है तू? यमुना ने फोन किया था यार, सागर के पास उसने किसी जगह का नाम बताया था, जरा बता वो कहाँ है। एक मिनट रुक जा। ए, सागर तलगुप्पा पूरे 40 किलोमीटर है यार। वो यहां से कितनी दूर है ये बता यार। देखता हूँ। तू जहां पे खड़ा है वहां से 220 किलोमीटर है। क्या हुआ? ठीक है बाद में बात करता हूँ। हे हर हर, चल इधर चल, इधर घूम, इधर घूम। हे इधर आ, इनको रोड पे क्यों लेके जा रहा है? साइड में लेके जा, चल। बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ, चल। हर हर हर, ये लोग हमेशा आते हैं पर पैसे नहीं देते हैं। आज नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। ए, आज कितने लोगों को लेकर आया चार है? को 500 रुपए दे। 500 क्यों? 500 रुपए देगा तभी घर दूंगी, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। अगर यहाँ पर रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे। मुफ्त में रहने के लिए ये कोई सराय या धर्मशाला नहीं है। चल पैसे निकाल। तेरे भाव तो बढ़ते जा रहे हैं। इधर आ, पूरे पैसे हैं ना? हाँ तो गिन लेना। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, पलक झपकते ही बेवकूफ बना देते हैं लोग। इस दुनिया में तो अपने लोग ही हक मार लेते हैं। ए, ए हाथ दे जरा। चल आजा आजा। ए सबको लेकर आओ रे, जल्दी लेकर आओ। हाँ, या, या, उतर। चल जल्दी है, जल्दी है। जा, ए, चल रे जल्दी, चल जा रे, जल्दी आ। अंदर चल, चल चल ना जल्दी, चल जल्दी, चल चल चल। मार डालूंगा अगर किसी ने आवाज की तो। ए तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? मार दूंगा मार। सुन ले, सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलना,
किसी और चीज के लिए अगर मुंह खोला ना तो सबको मार डालूंगा। बैठ जा। खाने के लिए कुछ लेकर आ, जल्दी जा। ए, गाड़ी रखो, गाड़ी रखो। सारे डॉक्यूमेंट सर, जल्दी जाना है सर। डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तभी जाने दूंगा। प्लीज सर, अर्जेंट सर, प्लीज। डॉक्यूमेंट दिखाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगा, समझे ना? जाने दीजिए सर। कब कैसे कहां से आएंगे पूछ मत, तेरा काम लिया है ना करके दूंगा, ज्यादा बोल मत। फोन रख दे। अरे बोला ना, फोन रख। तुम लोग यहाँ खाना खा रहे हो और अंदर वो लड़कियाँ खाना खाने से मना कर रही हैं। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? बार बार खाना नहीं बनाऊंगी, जाकर देखो। तू रुक जा। क्या खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं खाना है क्या? क्या हुआ? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूँ तुम लोगों को पता नहीं क्या? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना, लेकिन तुझे बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। बैक। प्लीज डोंट डू एनीथिंग, प्लीज। मैंने प्यार करने के लिए कहा था, तू जिससे प्यार करती थी ना उसी ने फोटो देकर तुझे उठाने के लिए कहा था। तेरे 6 महीने के प्यार की कीमत सिर्फ 50,000, समझी क्या? तो मैंने क्यों किया? पैसे के लिए किया। सिर्फ चंद पैसों के लिए तुम हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें ये सब गलत नहीं लगता क्या? गलत? तू ऐसे कह रही है जैसे सिर्फ मैंने गलत किया। मैं तुम लोगों को उठाऊं, इससे पहले 10 लोगों ने इस पर काम किया है। तुम लोग कहां जाती हो, कहां से आती हो, कब तुम लोग क्या करती हो, सब बताया गया है, तभी तो उठा पाया। तुम लोगों को लेकर जाना ही है। तुम्हारे लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या? कौन किसके साथ वफादार होता है? इच्छा, हर इंसान की इच्छा होती है, नया नया देखने की इच्छा, और उसी को लोगों ने धंधा बना दिया। मैं तो उनके लिए काम करने वाला एक मजदूर हूं, बस इतना ही। तुम लोगों ने बस एक ही गलती की है, पता है? लड़की होना, ऊपर से खूबसूरत होना। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मुझे जाना है, आई हैव टू गो। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यहाँ से निकलने से पहले अगर किसी ने भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा तुम सबको, समझी? उठो, चलो चलो जल्दी।
चलो जल्दी जल्दी आओ, ए जल्दी आओ, टाइम मत लगाओ, आओ जल्दी, ए सुनाई नहीं देता तुम लोगों को। ए याना चल जल्दी चल। ए थोड़ा जल्दी कर, ए जल्दी करो, बहुत टाइम हो रहा है। ए चल निकलते हैं। कौन है वो? सर मुझे नहीं पता सर। सच बता दे तू। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। बताता है या मैं बताऊं? हाँ सर। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने क्या किया है सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। पेपर नहीं है सर। सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। बड़े बड़े केस छोड़कर तो इसको लेकर आया है, छोड़ इसको। यस सर। बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता मैं। ओके बाय। पूरा दिमाग खराब हो गया। तू कहाँ से आया है बे? मुंबई से सर। हिंदी आती है? तो गाड़ी के पेपर कहाँ है तेरे? सर मुझे बहुत जल्दी जाना है सर। नियम वगैरह तुझे कुछ मालूम है या नहीं मालूम है? ठीक है जा, एक मिनट। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? सीएम साहब की बेटी है, उठा लिया है। नहीं सर। नहीं क्या? ए इसकी बाइक की चाबी दे दो। ठीक है सर। चेक पोस्ट से कोई इन्फॉर्मेशन आया है क्या? ए छोटू इधर आ। इस कार को कहीं देखा है क्या? हाँ साहब, उस तरफ उस घर में गई थी। उतार कर इस तरफ से लेकर आता हूं, पैसे देकर कैसे भी गाड़ी को लेकर आ जा। माना तो ओके। मिला क्या? हाँ कोई बात नहीं, सब अपने ही आदमी थे, पैसा मांगा दे दिया। अच्छा हो गया यार तूने ये रास्ता बताया। अरे चलो 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 अंदर अंदर चलो। अभी चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगी हुई है। हाँ चल अब चल। अरे चल तू भी जल्दी कर, अब चल।
कोई नहीं है लग रहा, जाकर उसको खोल। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर से होकर आता हूं। वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा? रुक जा, आएगा। गाड़ी को चेक कर लिया ना? हाँ सर। पेपर पक्का है ना? सब पक्का है सर। गाड़ी को जाने दो। ए, गाड़ी जा रही है, साइड हो जा। ए, इसे रोक। गाड़ी को रोक, रोक रोक, गाड़ी साइड में लगा। कहाँ से आ रहा है तू? मुंबई से सर। इस लड़के को कहीं देखा है? ये हमारे प्रेसिडेंट की बेटी है, देखा इसे? नहीं सर। कहीं दिखे तो इन्फॉर्म करना। चलो ए, जाने दो। चलो, इसे। चलो। हेलो जगत, हे हेलो, बैटरी नहीं है यार। कहीं दुकान है तो देख। भैया यहाँ कहीं फोन मिलेगा क्या? इधर कोई फोन नहीं है। इधर बस एक ही रूट है या फिर कोई और? हाँ ये एक ही रूट है, वो जंगल का रोड है, उधर पब्लिक यूज नहीं है भैया। और गोवा जाने का रूट? हाँ ये रोड सीधा जाएगा। आपके पास चेंज होगा? कहाँ है तू अभी? पता नहीं यार। आज 5 बजे से पहले गोवा पहुंचना है। चार्ल्स ने जैसा कहा है, यमुना को नीलामी से निकालना होगा। तू मेरे घर जाके पापा को बोल कि वो घर बेच दे और सारे दोस्तों से पैसा इकट्ठा कर। तू कितना चाहिए? कुछ पता नहीं यार, जितना मिल जाए उतना इकट्ठा कर। ये बात यमुना की माँ को मत बताना। मुझे विश्वास है कि मैं उसे लेके ही आऊंगा। यमुना कहाँ है यार, कुछ पता चला? वो यहीं कहीं है यार। Thank you.
गाड़ी रोक मत, चलते रहे बस, चलते रहे तू। तू क्या सो रहा था बे? ए, तुझे अकल नहीं है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? ओ, ओ! हमें लेकर जाने के लिए कह रहा है ऊपर, कुछ बोलेंगे नहीं क्या? हाँ चल देखते हैं यार, चलो चल। चल चल उधर जाके खड़ी हो जा, चल। What's this? You have agreed for 4 girls and bought only 2. I know you got some questions, and A is gonna be here soon, so I suggest you to keep your questions to yourself, okay? Here. These 2 girls from North India, and these 2 girls are from South India. Where is Pawan? He's getting ready for the meeting. Hi girls. You are Yumna. It's gonna be a very simple process. There is no point in crying. So, don't cry. You girls, mind be smoking? I do a very unique business. You are my products. I put on the market. If you make money, there is no problem. Or else, you have to will pay for that. Sex is a very serious business. I know you all for the very beginning. Number 10, Kachari Road. सैंथोम माँ अकेली घर पे है ना? द साउथ इंडियन गर्ल वेरी हॉट, पुट इन द लास्ट लॉट, गेट यू रेडी फॉर बिडिंग। यस सर, गेट रेडी। मैं तो भोले का सेवक हूँ, दुष्ट को मारूंगा, सत्य के राह पे जो भी चलेगा उसका कहीं कुछ ना। रम है किसी में तो मुझे लड़के दिखलाओ, मेरे से कोई जीत ना पाए, मैं तो हीरो हूँ बट मैं लगाऊंगा, एक एक को मैं तो
यहाँ अभी तक आ गई ना, अब क्यों नाटक? रे यार होस्टेस, अच्छा रेट जाएगा, बहुत आसानी से उठाया। अब मैं दोबारा कभी लेट नहीं आऊंगा यमुना, मेरे पास लौट आओ यमुना। यस हेलो, तू एक काम कर, पंजिम चेसा रोड पे आ जा। विकी, लेकिन आप कैसे सर? वो सब बताने के लिए टाइम नहीं है, पहले ये देख इस ईमेल की कॉपी को पकड़, बागा बीच है ना, विट्राय होटल में रिसेप्शन पे ये कॉपी दे, फिर वो लोग खुद लेकर जाएंगे तुझे। ओके हाँ। ये लड़की कौन है? सर ये, इसको भी यमुना के साथ किडनैप किया गया। भैया आर यू ओके? प्लीज ये देख, वो लोग तुझे कहाँ लेके जाएंगे, कितने होंगे ये मुझे पता नहीं है, तू ये वॉच पहन ले, ले ये जीपीएस इनेबल है, समझ गया, तू जहाँ भी जाएगा हम ट्रैक कर लेंगे तुझे। देख गोवा इंटेलिजेंस के साथ मैंने बात की, वो मेरे साथ आ रहे हैं, तू वहां यमुना को सेफली लाने के लिए जा रहा है, समझ गया। डोंट गेट इमोशनल, यू आर गोइंग देयर प्योरली एज अ बायर, एजेंट बनकर जा रहा है, समझ गया। सो नो इमोशंस, श्योर गुड। बाय द वे जरूरत पड़े तो इसको यूज करना, ओके गो।
फर्स्ट फ्लोर थर्ड रूम TMI। इधर आप उसे कहीं तो देखा है। ये तू क्या कह रहा है? मैं खुद को और अपने शरीर को नहीं बचा पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। यमुना, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है विकी, लेट मत आया करो। ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था यमुना। ये stop this business. You got it? I love you, Vicky. I love you too.